पहली गेंद शॉय ने गेंद को किया एंजॉय, गेंद जाती हुई कवर बाउंड्री की तरफ चार रनों के लिए। बिल्कुल ब्रह्मांड बॉयज की टीम है, इतनी जल्दी ये घुटने ने नहीं टिकेगी, ये चीज को पहली गेंद पर जॉय ने प्रूफ किया। पहली गेंद बड़ा हिट यहाँ पर जरूर देखने मिला है, अगली गेंद का सामना करने के लिए सज्ज होंगे फिर से एक बार जॉय। इस बार गेंद काफी समय तक के हवा में, अच्छा एफर्ट अच्छी कोशिश जरूर रही वहां पर खिलाड़ी की, साहिल ने अच्छी कोशिश जरूर की थी लेकिन यहां पर दो रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस दो रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों पर। बिल्कुल नंदू फिर से एक बार सज्ज होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर, इसी बीच ये गेंद इस बार तेज तर्रार गेंद करने की चाहत, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद को कर बैठे, काफी ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को किया, अंपायर ने इस गेंद को वाइड घोषित किया है और अतिरिक्त रनों में एक रन इस शुमार होता हुआ और एक्स्ट्रा रन का खाता इस वक्त खुलता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 7 रनों पर, अगली गेंद लेकर तैयार है फिर से एक बार नंदू। इस बार बैट का मोटा सीधा लगा था, हाना के इशारे नजदीकी मामला हो सकता है लेकिन रनिंग विरुद्ध विकेट की अगर बात करें तो वो रही लाजवाब। थोड़ा सा लड़खड़ाया था, कॉम्बिनेशन थोड़ा सा यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट के माध्यम से लड़खड़ाता हुआ नजर आया था लेकिन जो कमबैक यहाँ पर किया बल्लेबाजों ने वो बहुत ही लाजवाब रहा और एक रन यहाँ पर आसानी के साथ पूरा किया तो रही बैट्समैन। सिंगल रन ले रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच गेंद को कर रहे हैं क्योंकि अगर एक आधा शॉट पिच या फिर ओवर पिच गेंद मिले तो उस पर प्रहार करने की कोशिश है जरूर करेंगे। इस बार देखिए कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच की जो दरार थी गेंद उसमें से फरार चार। स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पर। साहिल ने बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लासिकल स्ट्रोक यहां पर जड़ा कवर्स के क्षेत्र में 4 रन, ये फायदेमंद स्ट्रोक जरूर देखने मिलता है। नंदू की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार, इस बार आड़े बल्ले की चाहत सैफ की, गेंद आती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर चेतन जो कि बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर तैनात थे उन्होंने दौड़ लगाकर इस गेंद को फील्ड किया। एक आंदे, एक आंदे। के बीच अगर रनों की दरकार को देखें तो 2 रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बैट्समैन ने। स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर। स्टार्ट अच्छा मिला है, शुरुआत अच्छी यहां पर देखने मिलती हुई जरूर ब्रह्मांड टीम की ओर से। इस बार पूरी गेंद थी पंकज, गेंद को फील्ड करने की चाहत में लेकिन जब तक पंकज गेंद को रिसीव करके थ्रो करते थ्रो करते 2 रन पूरे किए दोनों ही बैट्समैन ने और स्कोर इस वक्त ओवर की समाप्ति के बाद जा पहुंचा है 16 रन बिना कोई विकेट गवाए। अच्छी साझेदारी अच्छी पार्टनरशिप यहां पर देखने जरूर मिली है और वाकविल की अगर बात करें तो वाकविल का बैटिंग अटैक काफी डेंजर है माना जाता है, टारगेट रखा है 56 रनों का और ये 56 रन बनाने हैं 3 ओवरों में तो यानी बची हुई अब जो 12 गेंदें शेष है 12 गेंदों में जो रनों की जरूरत है वो है लगभग 40 रन, 20 रन प्रति ओवर के अनुसार इस वक्त बल्लेबाजी करनी होगी। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है गेंदबाज चेतन ने, चेतन एक परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाला खिलाड़ी जिसने अच्छी बल्लेबाजी तो जरूर की थी, अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ
अच्छी गेंदबाजी के माध्यम से भी जाने और पहचाने जाते हैं। अपनी पारी में इन्होंने 10 रन 3 गेंदों में जोड़े थे, जिसमें एक सिक्स और एक फोर उन्होंने जरूर जड़ा था, और उसके बाद अपना विकेट उन्होंने गंवाया था। 10 रन बनाए थे अपनी पारी में चेतन पाटिल ने, और इस वक्त गेंदबाजी की जिम्मेदारी जवाबदारी उनके कांधों पर दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ओवर में कितने रन खर्च करते हैं, क्योंकि जॉय बड़े हिट के लिए यहाँ पर मशहूर है, बड़े हिट लगाने में माहिर है। इसी बीच ये फुल टॉस गेंद थी, एक रन के लिए दौड़ जरूर लगी है, और यहाँ पर देखिए दुर्घटना घटी हुई और ये पहले विकेट का पतन यहाँ पर जरूर होता हुआ। सैफ जैसे खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की राह इस वक्त लौटते हुए उनकी कमी पूरी करने के लिए नए बैट्समैन को ताबड़तोड़ पर भेजा जाएगा, तो यहाँ पर मौका मिलेगा महेश को। महेश ने पहली मैच में मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस नहीं किया था, एक्सपीरियंस नहीं है इस टूर्नामेंट का, इस मैच का, इस ग्राउंड का। अब देखना ये है कि इस वक्त ये किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, जिस वक्त 11 गेंदों में जीत के लिए 40 रनों की जरूरत है। नेक्स्ट मैच भावेश स्पोर्ट्स वर्तक नगर वर्सेज आर्या फाइटर्स ठाणे के बीच नेक्स्ट मैच खेला जाएगा, जिसमें आर्या फाइटर्स ठाणे ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का यहां पर निर्णय लिया, और सहयोगी टीम भावेश पैकर्स वर्तक नगर की टीम को आमंत्रित जरूर किया है यहां पर गेंदबाजी के लिए। चेतन की अगली गेंद बड़ा हिट लगाने की चाहत थी, विदाउट रेंज में आकर कदमों का अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, विकेटों के बीच में आप अगर हलचल नहीं करते हैं, तो फिर गेंदें कुछ इस प्रकार से टॉट होती है। बिल्कुल फ्रंट फुट बैक फुट का इस्तेमाल होना जरूरी, नहीं तो फिर खड़े खड़े स्ट्रोक लगाना काफी डिफिकल्ट होता है। इस बीच ये गेंद इस बार देखिए एक्शन रिप्ले जरूर देखने मिला था, लेकिन कीपर के हाथों में गेंद नहीं समाई, 22 के रूप में एक रन देता हुआ। सिंगल सिंगल से बात अब नहीं बनेगी, जॉय को भी ये चीज पता है। अब देखना ये है कि जॉय क्या उनके बल्ले से बड़े हिट देखने मिलते हैं, या फिर चेतन उन पर अंकुश लगाने में सक्षम और कामयाब होते हैं। क्योंकि जॉय की अगर पहली पारी की अगर बात करें, पहली मैच की अगर बात करें, तो क्या लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने किया था। इस बार ये फुल लेंथ गेंद रखी थी, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप यॉर्कर लेंथ की गेंद, बिल्कुल फुल लेंथ डिलीवरी, वाइडिश यॉर्कर जिसे कहा जाता है, उस तरीके की गेंद देखने मिली, और ऊपर की यहाँ पर हम जरूर प्रशंसा करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को उन्होंने फील किया। क्लोज कीपिंग कर रहे हैं, बल्लेबाजों को कदमों का इस्तेमाल ना करने के लिए, इसलिए चिटक कर कीपिंग करते हुए नंदू पाटिल। इस बार जॉय के बल्ले से निकलता हुआ बाउंड्री की तरफ छह, इस छह रन के साथ रनों की रन संख्या पे अगर नजर डालते हैं तो स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। लक्ष्य काफी बड़ा है, टारगेट काफी बड़ा है, उस टारगेट तक पहुंचने की मेहनत कोशिश इस वक्त करते हुए जॉय। इस बार ब्लॉकल में डाली गई गेंद थी, बल्ले की जड़ से जरूर खेला, जब तक के लॉन्गमैन से आकर गेंद को रिसीव करके पंकज गोंदले एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। ओवर की हुई है समाप्ति, स्कोर दर्शाता हुआ 24 रन। अब जीत के लिए जो रनों की दरकार होगी वो होगी काफी ज्यादा, क्योंकि टारगेट रखा गया है 56 रनों का। यस 32 रन, बिल्कुल जो खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर खेलते हैं वो कैलकुलेट करते रहते हैं कि कितने गेंदों में कितना रन चाहिए। 6 गेंदें बची हैं और जीत के लिए 32 रनों की जरूरत, सामना करेंगे जो
जॉय बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद हवा में, और यहाँ देखिए गणेश मनेरा के हाथों से गेंद छटकी और छूटी। अब पांच गेंदें बची हैं, जीत के लिए 30 रनों की जरूरत है। पांच गेंदों में पांच सिक्स अगर लगते हैं तो जीत तय। अब देखना यह है क्या कीर्तिमान रचेंगे पांच गेंदों में पांच सिक्स का जॉय। पंकज अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार ये करार अपना हार, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, छह रन, चार गेंदें चार सिक्स, मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए चार गेंदों में चार सिक्स जड़ने हैं। अगर ये चार गेंदों में चार सिक्स जड़ते हैं जॉय, तो इस ग्राउंड पर एक इतिहास रचने वाले पहले बल्लेबाज होंगे। चार गेंदे चार सिक्स, मैच का सिचुएशन अगर रनों से नहीं काउंट होगा, सिक्सों से काउंट होगा, अगर एक आधा भी गेंद डॉट हो गई तो फिर जॉय की उम्मीदों पर मालिक मिल सकता है। चार गेंदे जीत के लिए चार सिक्स की जरूरत। इसी बीच अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, चार गेंदों में जीत के लिए रनों की जो दरकार है, जरूरत है, वो है 23 रन। अभी भी पकड़ लीजिए कि चार सिक्स ही लगाने तो ही जीत मिलेगी। इस बार देखिए गेंद जाती है आउट ऑफ द ऑफ स्टंप और सोने पे सुहागा, मेरे ख्याल से डिक्लेयर जोन में गेंद परिवर्तित हुई है या नहीं ये देखने वाली बात जरूरी। अंपायर डिक्लेयर जोन में गेंद गई है या नहीं, यस सर थैंक यू, यानी वाइड ही यहां पर काउंट किया जाएगा। अब दो सिक्स और एक चौका जड़ना है। सिक्स और एक चौका चढ़ना है मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। बाउंड्री की तरह छह रन, क्या बात है। यही पंकज गेंदबाज है जिन्होंने लास्ट गेंदों में एक सिक्स सुशांत मुकादम लगने के बाद यहाँ पर मंत्र सब दे रहे हैं। मनोज जो टीम के कैप्टन है सब यहाँ पर बातचीत के साथ। अब देखना ये होगा कि जॉय अपने स्ट्रोक्स पर यहाँ पर ब्रेक लगाने में लगाते हैं या फिर यहाँ पर बड़े हिट लगते हैं। 16 और एक चौकी की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि रनों की अगर बात करें तो 16 रन बनाने हैं इस मैच को जीतकर में कन्वर्ट करने के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए फिर से एक बार पंकज इसी बीच ये गेंद कार्पेट के सारे खेला गया स्ट्रोक। अरे तू स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे हैं। एक रन मिलेगा जरूर, जीत के लिए दो गेंदे बची है, 15 रनों की जरूरत। दो बॉल 56 रनों का पीछा करते हैं ओवर में। ये टीम न्यू बैट्समैन आए हैं, एंट्री न्यू बैट्समैन ऑन साइड लाइन पर पहले वाला विकेट छोड़ा दो हमने ले लूं विकेट थोड़ा पंकज नो। इस बार फुल टॉस गेंद थी, रेंज में जरूर आई थी लेकिन
एक बॉल बची है और जीत के लिए 14 रनों की जरूरत, यानी पकड़ तो पूरी तरीके से बना ली है इस वक्त गेंदबाजी वाली टीम यानी सुनील स्पोर्ट्स वाकपिल की टीम। चलिए मैच की हुई है इस वक्त समाप्ति। हार्ड लक स्पोर्ट्स एंड कॉम्पिटिशन।